पूरा वायरल करो इंडिया में। सारा तोड़फोड़ कर रखी है, ये रोड चौड़ीकरण हो रहा है। हाँ ऐसे ही लग रहा है, मैं पहली बार आए थे तो कुछ नहीं हो रहा था। दो मंजिला बाथरूम हल यहाँ पर जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया गया है। ये जून लास्ट में टूटेगा। ये आपको विदेश जाने का शौक है तो भी यहाँ पर आइए और पासपोर्ट बनाइए भाई। लुगराना पूरा गिराया है तो इसमें घुस के ना ये निकाल रहा है। देखो कौन भर रहा है, वो पुलिस खड़ी है, वो उनको गाड़ी में कौन भर रहा है, प्राइवेट गाड़ी में सवारी जा रही ना, तो मना क्यों नहीं कर रहे हो उसको, वही भगाया ना। अच्छा हाँ, गर्म है दिल्ली में। अरे बहुत ज्यादा है, 50% तो कल ही था। हाँ 50 तो कल ही पहुँच गया था। तिरपन रिकॉर्ड वहाँ तो ये हो रहा है, जैसे तुम छत में जाओ, छत में जाओ तेल लगाओ उसमें अंडा डाल दो, वो आमलेट बन जा रहा है। इनकी टीम को छोड़ो, पुलिस देख रही है, यूनियन हमारी अंदर है। बैठने का बनाया है तो लोग ऐसे ही बैठ रहे हैं यहाँ पर। देखो कुछ भी नहीं है यार, आगे खाली पत्थरों में बैठे हुए। हेलो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। तो आज जो वीडियो होने वाली है वो भी काठगोदाम से होने वाली है, उत्तराखंड के नंदास डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी का जो काठगोदाम एरिया है ISBT जहाँ पर बन रहा है। आप देख रहे होंगे ना पीछे रोडवेज की बस है, उसके बाहर से मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ और यहाँ से मैं दिखाऊंगा नीचे को कितना कुछ अतिक्रमण टूटा है। आपको यहाँ पर कार्रवाई हुई है बुलडोजर की मदद से, यहाँ पर टूटा हुआ है सारा कुछ आपको धरातल से दिखाएंगे। गर्मी काफी है भाई, 40 से 45 के बीच यहाँ पर तापमान हो रहा है, बिल्कुल हाफ रहा हूँ मैं। देख रहा हूँ और पीछे देखो काम चल रहा है, देखो वो डंबर दिख रहा होगा एकदम पीछे से मलबा आ रही है और इसमें गड्ढे में डाल दिए, यहाँ पर भी खुदाई हुई है कल। सारा कुछ आपको दिखाएंगे, बने रहे आप मेरे चैनल में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, कमेंट लाइक करना। चल तो अभी मैं लोकेशन दिखा देता हूँ, मैं अभी ठीक इस वक्त खड़ा हूँ काठगोदाम से थोड़ा सा ऊपर और बाकी रोडवेज बसे भी यहाँ पर है उसी के ठीक बाहर हूँ। यहाँ पर जो ये गेट था इसको भी कल जमींदोज कर दिया गया है, पूरा यहाँ पर तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो है बड़ा गड्ढा कर दिया गया, देखो यहाँ नीचे गड्ढे में पानी भी है। तो यहाँ तक आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पीछे तक यहाँ पर जाना है और पूरा चौड़ा होना है। देखो यहाँ से पूरी सीध आएगी, आप देख रहे हैं, जरा मैं यहाँ दिखा देता हूँ कितना आएगा अंदर। ये रोड है, आप रोड देख रहे होंगे और ये थोड़ा सा फुटपाथ बचा है और उसके बाद थोड़ी सी जगह है, उसके बाद यहाँ पर एक दीवार थोड़ी सी बची हुई है। यहाँ पर लगा हुआ है 3+ का निशान। 3+ का मतलब ये होता है ये दीवार से लेके यहाँ तक 3 मीटर और अंदर जाएगा, ये समझ रहे हो आप, 3 मीटर और अंदर जाएगा वहां तक कटिंग होगी। तो यहाँ से होगी है कार्रवाई, ये तोड़ दिया गया है सब और यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर कुछ पाइप थे और कुछ था, उससे काम होने के बाद इसको यहाँ पर गड्ढे में पीछे से जो कचरा है उसको यहाँ पर भरा जा रहा है और आगे तक कार्रवाई होगी। यहाँ पर क्या कार्रवाई होती है सारा कुछ, और नीचे भी यहाँ पर बहुत कुछ टूटा हुआ है, सारा कुछ दिखाएंगे, बने रहे आप चैनल में। इधर को आ गया हूँ और आप ये जो देख रहे हैं ना ये दीवार कुमाऊं होटल का, ये भाई जून लास्ट में तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, जून लास्ट में टूटेगा ये। उसके बगल में ही ये मस्जिद का गेट है, ये भी टूटेगा, ये देख रहे हो आप, यहाँ से 6.5 मीटर अंदर जाएगा, ये अंदर तक जाएगा, ये जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं यहाँ तक टूटेगा। और उसके बगल में ही कल और कार्रवाई हुई वो भी दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर है भारतीय डाकघर काठगोदाम का, आप देख रहे हो ये है पीछे पासपोर्ट ऑफिस भी है। इसका जो ये गेट जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये भी यहाँ पर टूटा है, खाली गेट को बचाया है, बाद में इसको तोड़ा जाएगा। और इसके बगल में ये देखो पूरी कार्रवाई, जरा मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, ये है यहाँ पर पासपोर्ट कार्यालय। अगर आपको विदेश जाने का शौक है तो भी यहाँ पर आइए और पासपोर्ट बनाइए भाई, है ना, यहाँ से बनता है पासपोर्ट, काठगोदाम का ये पासपोर्ट ऑफिस ही है। और इसके बाहर का क्षेत्र में जरा दिखा देता हूँ, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, कल यहाँ पर बहुत तगड़ी कार्रवाई हुई। आप देख रहे हैं स्टोन पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं, ठेकेदार ने पत्थर बचाए हैं, उस जो पेड़ जो कच्चे पेड़ थे वो टूट गए हैं, सूखे हुए पेड़ थे और कुछ पेड़ यहाँ पर धराशायी हो गए हैं, ये देखो। वैसे ये पेड़ को बचाना चाहिए था मगर ये इन्होंने बचाया नहीं, है ना, इस पेड़ को इस तरीके से यहाँ पर गिरा दिया गया है। और यहाँ तक कार्रवाई हुई, ये जो तोड़ा है ना यहाँ तक आएगा, ये पीछे वो रोड है आप देख रहे हो, यहाँ तक ये तोड़ा हो जाएगा, मगर इतनी रोड है ना उतना ही यहाँ और बन रहा है, मतलब 4 लाइन हो जाएगी ये रोड। देख रहे हो यहाँ पर से ये टाइल आइल टूटे हुए हैं और यहाँ पर का जो इनका ग्रिल था ये पूरा जाने वाला है, ये पीछे मस्जिद का एरिया है और यहाँ पर कुछ पानी का लीकेज भी हो गया है। कल जो कार्रवाई हुई थी ये दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ तक पूरा, ये देख रहे हैं, और आगे भी कार्रवाई हुई है वो भी दिखाते हैं हम। इधर को आ गया हूँ और ये साइड से जरा नजारा दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये कहाँ तक टूटना है वो भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये निशान लगा है ना पीला कलर का, यहाँ तक टूटना है, देखो ये नया निशान है, यहाँ तक ये पूरी बाउंड्री जानी है, आधा इसका भाग जो है ना गिरा दिया गया है, ये देख लो आप, ये ग्रिल वगैरह ना पूरा गिराया है। यहाँ पर ये पेड़ आ रहा है इसको बचाना है इसलिए यहाँ पर तोड़ा नहीं है। और यहाँ से पूरा यहाँ तक ये जो सीध आ रही है ना, ये यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है मगर ये जो पेड़ है ना ये पेड़ ज्यादा जा रहे हैं, मगर इन पेड़ों को विस्थापित किया जाएगा, दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ये पेड़ों को बिल्कुल काटा नहीं जाएगा। 3 महीने के बाद जब बरसात का टाइम आएगा उस समय इन जो सारे जो ये पेड़ बड़े बड़े पेड़ हैं इनके साइड की टहनियां काट के इनको मशीन के द्वारा
सीधे दूसरी जगह यहाँ पर लगाया जाएगा, वो नीचे लगाया जाएगा जहाँ पर सुशीला तिवारी रामपुर रोड जो हॉस्पिटल है उसके थोड़ा सा नीचे जो छठ पूजा का जो ग्राउंड है उसके पीछे साइड वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। काफी दिक्कतें हैं और यहाँ तक कार्रवाई हुई, ये देखो ये नजारे हैं और आगे को दिखाता हूँ, ये साइड की भी पूरी दीवार जानी है वो भी हम आपको दिखाएंगे जैसे यहाँ पर कार्रवाई होती है और यहाँ काफी छाया रहता है, इसके नीचे भी और कार्रवाई हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा नीचे को आ गया हूँ जहाँ पर आप देख रहे होंगे उत्तराखंड परिवहन निगम का जो कार्यशाला है बस डिपो का, उसके गेट के ठीक बाहर हो और यहाँ का पीछे का मैं नजारा दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई और यहाँ पर एक नगर निगम का वॉशरूम था उसको भी जमींदोज कर दिया है, वो सारा कुछ दिखा। ये देखे ये थोड़ा सा इधर को आ गया है, काफी बड़ा पेड़ है, इसको भी शिफ्टिंग किया जाएगा और यहाँ पर एक था बहुत दो मंजिला बाथरूम, उस बाथरूम को कल यहाँ पर जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया गया है। उस भाग यहाँ पर लोगों ने तोड़ा था, नगर निगम ने यहाँ पर तोड़ा था, ऊपर का जो सामान वामान था सारा कुछ ले गए थे, ठीक ठाक जो भी बचना था बाकी यहाँ पर अभी बुलडोजर लगा है। आप ये गेट देख रहे होंगे परिवहन निगम कुमाऊं क्षेत्र कार्यालय का, उसके सामने ही ये वॉशरूम था और जो सामने आप देख रहे होंगे यही काठगोदाम का रेलवे स्टेशन है, इसके जस्ट बगल पे ही होटल है और होटल के थोड़ा ऊपर सा ये बाथरूम था ये देखिए, और यहाँ पर एक लाइट का खंभा भी था, ये भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा जमींदोज कर दिया गया है, पीछे साइड पूरा दीवार से चिपक के ही था ये, और इसका गटर वटर ना अभी भी बहुत गंदा है यार, ये देखो ना अभी साफ हुआ नहीं है, इसका गटर साफ करना चाहिए, साथ साथ ही ना काफी दूषित वातावरण हो रहा है, काफी बदबू आ रही है एरिया में यहाँ पर। तो यहाँ तक था काफी बड़ा था ये देखो ना, पीछे तक अच्छा बनाया था, टाइल्स वगैरह थे और लाइट फिटिंग वगैरह अभी भी देख पा रहे होंगे आप उसी में लगी पड़ी है। तो इसको कल यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया और यहाँ पर एक कचरा घर है और ये बीन रहा है भाई कचड़ा यहाँ पर, ये देख लो काफी नीचे तक रहता है और इसमें घुस के ना ये निकाल रहा है, देखो इतनी गर्मी में भी ये काम कर रहा है और यहाँ तक कार्रवाई हुई है। ये देखो यहाँ से मैं जरा दिखा देता हूँ, ये पेड़ भी जाना है, ये देखो घन लगा हुआ है, ये पेड़ भी यहाँ से कटेगा, काफी सूखे पेड़ भी है, नीम का पेड़ है, काफी खतरा भी है ना, कभी तूफान वूफान आ गया तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। जरा अभी ये क्षेत्र जरा दिखा देते हैं, देखे मिलिट्री कैंप है, रेस्ट हाउस है, उसके ठीक बाहर मैं दिखा रहा हूँ, देखो 21+30 का निशान है, उसके बाहर ही यहाँ पर कार्रवाई, यहाँ पर पार्क था और एक यहाँ का ये देखो बस रुकने का ये बस स्टैंड भी था यहाँ पर, देखो ये बैठने का, इसको खाली पीछे का रखा है, आगे का सब उड़ा दिया है। और ये देखो यहाँ से कटिंग करी है जेसीबी की द्वारा, यहाँ पर कार्रवाई हुई, इतना पूरा ले लिया गया है और जरूरत पड़ेगी तो और लिया जाएगा यहाँ पीछे तक, और ये पेड़ में घुल लगा हुआ है, ये पेड़ भी यहाँ से काटा जाएगा। मैं नीचे तक दिखा देता हूँ, ये देखिए देख रहे हो आप पूरा पूरा जो ये लैंड, ये जो जमीन था पार्क जैसा था, बुलडोजर चला है और पूरे कटिंग कर दी गए थे, देख रहे हो। और सामने देखो मैं जरा दिखा देता हूँ, यहाँ लोग बेच रहे हैं लीची, भाई लीची का सीजन है, 100 रुपए किलो है भाई लीची, इतना महंगा क्यों दे रहे हो। देखो ये बस डिपो है, यहाँ से पूरा तोड़ दिया गया, ऊपर से अभी पुलिस की तगड़ी कार्रवाई चल रही है, ये देखो खाली पीछे का झाप बचा हुआ है, खाली बैठने के लिए यहाँ पर जगह रखी हुई है, बाकी सब कुछ तोड़ दिया है यहाँ पर। और आगे को दिखाता हूँ और यहाँ पर कहाँ तक कार्रवाई हुई है, तो यहाँ भी धीरे धीरे कार्रवाई होगी, यहाँ पर काफी ट्रैफिक है और पुलिस वाले ने यहाँ पर ट्रैफिक रोका हुआ है, बाय वन गाड़ी को छोड़ रहे हैं वहाँ से। और यहाँ पर देखो ये कुछ वायर भी ऐसी पड़ी हुई है, देखो केबल की वायर है, कौन सी वायर है, देखो इसकी जो ये गेट है यहाँ से पूरा जेसीबी लगाई है और यहाँ तक तो पूरा काम हो गया, देखो पूरा चौड़ा हो रहा है, फिर बहुत तगड़ा हो रहा है और यहाँ से भी जाएगा, ये देख रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ से जो लाइन आएगी यहाँ से पूरा जाना है, ये कब जाएगा उसकी कार्रवाई भी हम आपको लाइव दिखेंगे। यहाँ पर काफी ट्रैफिक जाम रहता है और उसके बगल का वो जो दिख रहा है आपको ट्रांसफार्मर के बगल में जो होटल है उसमें भी कार्रवाई होगी, वो भी सरासर जाना है, काफी यहाँ पर चौड़ा हो जाएगा, देखो कितनी भीड़ है, आगे बस खड़ी है फिर भी हॉर्न मार रहा है ना, लोगों को हॉर्न मारने की ना बहुत बीमारी है यहाँ पर, ये देखो काफी ट्रैफिक है, पीछे तक आप देख रहे होंगे अगर यहाँ पर कुछ हो जाता ना काफी जाम की समस्या यहाँ पर बनी रहती है, सब्र किसी को नहीं रहता है। ये देखो बाइक कैसे निकाल रहा है, कहाँ से कहाँ ऐसा जा रहा है, लीची का सीजन आ गया भाई है ना, लीची खरीद सकते हो बाजार में 80 रुपए किलो है, ये देखो भाई दे रहे हैं भाई लीची, लीची चखा भी रहे हैं भाई है ना, मीठा होगा तभी लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे ना, चखा भी रहे हैं भाई, देखो चखाओ फिर ना, मैं नहीं खाऊंगा अभी खिला रहे हो तो यार, ये हमको भी यहाँ पर लीची खिला रहे हैं, देखते हैं मीठा है कैसा है, एक ही खाएंगे ना, फ्री में थोड़ी खाएंगे, काफी गर्मी है तो यहाँ पर थोड़ा लीची का स्वाद ले लेते हैं। लीची वैसी पकी हुई है या पकाई है, पकी हुई है तो लीची खाते हैं भाई, भाई ने दिया है लीची, देखो पीछे भाई लीची बेच रहे हैं, उन्होंने लिए एक लीची दिया था, तो खा के देखते हैं जरा, पहली बार इस सीजन का मैं ये लीची खा रहा हूँ, मेरी ना, अरे मेरी नहीं, अभी पका नहीं है ये, पका है
कम पका है, अच्छा था, थोड़ा कम पका है। कैसे हो? तो हमारे सब्सक्राइबर जा रहे हैं भाई गाड़ी में, भुजिया घाट जा रहे हैं, वहाँ वाटर पार्क बना हुआ है ना, तो टैक्सी वाले यहाँ तक आ जाते हैं भाई, है ना, पूछते हैं भाई कहाँ जाना है, क्या जाना है, इनको बस में जाना है भाई, बस में, है ना, बस में जाओगे ना सर, बस में ना, खाली टैक्सी में बुला रहा है, ज्यादा पैसा ले लेगा, क्यों है कि नहीं, बस आती है भी, आराम से जाइए, केमू की बसें चलती है, रोडवेज की चलती है। और सामने का क्षेत्र जो देख रहे होंगे आप, ये काफी हरा भरा क्षेत्र है, ये भी ना कुछ दिन के बाद यहाँ पर रहेगा नहीं, है ना, और ट्रांसप्लांट हो जाएंगे पेड़ और सब एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। सवारी भर रहे हैं प्राइवेट गाड़ी में? हाँ। कौन भर रहा है? वो पुलिस खड़ी है, वो उनको गाड़ी में कौन भर रहा है, प्राइवेट गाड़ी में सवारी जा रही ना, तो मना क्यों नहीं कर रहे हो उसको? तो वही भगाया ना। अच्छा, चालान करो। तो देखो यहाँ पर ना प्राइवेट गाड़ी में सवारियां भी बढ़ रही है, तो यार गुस्सा हो रहा है, बात भी सही है ना यार, बिल्कुल सही बात है, सही बात, अच्छा कर रहे हो आप, है ना, टैक्सी की सवारी टैक्सी में जानी चाहिए, प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं भाई, क्या कहेंगे आप बताइए पुलिस को, पुलिस के सामने खुले आम हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, कौन कार्रवाई करेगा? अपनी ड्यूटी में भैया। तो ऐसा है, पहली गाड़ी है या कितनी होगी अभी तक? कई सारी गाड़ियां जा रही है, हर कोई कर रहा है ये काम। अच्छा, तो यहाँ पर कौन देखेगा? पुलिस देख रही है। हमारी यूनियन की टीम कहाँ है? हमारी यूनियन की टीम को छोड़ो, पुलिस देख रही है, यूनियन हमारी अंदर है, पुलिस अपनी ड्यूटी में लगी है। तो यहाँ पर प्राइवेट गाड़ी में सवारियां भी भर रहे हैं भाई, यार इनकी कंप्लेंट है, चलते चलते। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तुम लोग इतना टैक्स देते हो, यहाँ पे नहीं, सारी गाड़ियां अंदर से भरती है हमारी यूनियन की, ना ना, प्राइवेट गाड़ी माने नहीं होना चाहिए ना ऐसा, है ना, टैक्स नहीं भर रहा है। अच्छा, इस चीज को नोट रखो, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा वायरल करो इंडिया में, पुलिस हमारी गाड़ियों को भगा रही है यहाँ से। अच्छा अच्छा, हमारी पुलिस पूरी टीम लगी है यहाँ पे। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर काफी जाम है, तो इनकी समस्या आप देख रहे हो भाई, प्राइवेट गाड़ी में यहाँ पर सवारी भर रहे हैं और ये भाई भी तक गए भाई यहाँ पर है, बात भी इनकी सही है यार, है प्राइवेट गाड़ी में ना सवारी नहीं ले जानी चाहिए क्योंकि ये लोग टैक्स भरते हैं। देता हूँ आपको मैं, ये देखो यार यहाँ पर जो बस स्टैंड है बिश्रामालय जो है काठगोदाम का, उसको तोड़ दिया है, खाली बैठने का बनाया है, तो लोग ऐसे ही बैठ रहे हैं यहाँ पर, ये देखो कुछ भी नहीं है यार आगे, खाली पत्थरों में बैठे हुए हैं, कैसे भी बस खाली बैठने के लिए यहाँ पर जगह बनी हुई है। जरा इनसे बातें करेंगे, ये कहाँ जाने वाले हैं? अंकल नमस्कार। नमस्कार, कहाँ जाना था? लमगढ़। लमगढ़ जा रहे हो? कब से बैठे हो सर यहाँ पर? अभी आ रहे हैं, बस में। अच्छा अच्छा, बस में जाएंगे सर? वो गाड़ी आ रही है। अच्छा, आपकी प्राइवेट गाड़ी आ रही है? तो यहाँ पर ये क्या देख रहा हूँ मैं, देखो देखो सारा टोल फोड़ कर रखी है, ये रोड चौड़ीकरण हो रहा है। हाँ, ऐसे ही लग रहा है, मैं पहली बार आए थे तो कुछ नहीं हो रहा था, वो सही थी, आज दोबारा आए, दिल्ली के आए, पहले अच्छा बैठने का था, आज खाली ये पत्थरों में ऐसा बैठना पड़ रहा है, तो ये काम सही हो रहा है गलत हो रहा है? नहीं, सही हो रहा है, बढ़िया, रोड चौड़ी होगी तो अच्छा ही होगा, बढ़िया हो जाएगा, ट्रैफिक का चढ़ाव होगा, है ना, बढ़िया हो रहा है। आप दिल्ली से आ रहे सर? हम दिल्ली से आ रहे। कितना गर्म है दिल्ली में? अरे बहुत ज्यादा है, 50-55 तो कल ही था। हाँ, 50 तो कल ही पहुँच गया था, 53 रिकॉर्ड। वहाँ तो ये हो रहा है, जैसे तुम छत में जाओ, छत में जाओ, तेल लगाओ, उसमें अंडा डाल दो, वो आमलेट बन जा रहा है। वो तो बनेगा ना, तो आपने बनाया ऑमलेट? हमने भी कोशिश की, नहीं बना, खाली बोलने वाली बात है, ऑमलेट तो कहाँ बनता है, गर्म है काफी ना, वो राजस्थान में है, यहाँ नहीं, वो राजस्थान की बात है, तो यहाँ को उसके अपेक्षा तो थोड़ा कम है। नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत आराम है, पहाड़ों को जाओगे तो आराम से बैठे रहोगे ना, काट के आएंगे हम। हाँ, अच्छा किया आपने गर्मी में ऊपर को आ गए, चलो ठीक, चलो ठीक, आप साथ में आ रहे हो दोनों? चलो ठीक है, एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए काफी लंबा जाम, हमेशा यही स्थिति बनी रहेगी, हमारा रोड अगर थोड़ा हो जाता तो भाई ये जाम बिल्कुल नहीं लगता, ये देखो नीचे तक जाम है भाई, देखो देख रहो, टूरिस्ट की गाड़ियां हैं ज्यादातर, जो पीले कलर की जो पट्टी की जो गाड़ियां हैं ना, सब टूरिस्ट की है, काफी जाम है यहाँ पर काठगोदाम में, इस समय काफी ज्यादा ऊपर तक आपको जाम मिलेगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ को घूमना चाहते हैं तो सुबह सुबह के टाइम आइए, अगर दोपहर से शाम तक रहेंगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, ये देख रहे हो चिपक के गाड़ियां भाई, देखो चिपक कभी तो आपको घंटों भी यहाँ पर रहना पड़ सकता है, ये समस्या है यहाँ पर जाम की, देख रहे हो कितना जाम लगा हुआ है यहाँ पर, यही कारण है कि यहाँ पर ये चौड़ीकरण हो रहा है, ये चौड़ा हो जाएगा तो पकापक गाड़ियां चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर ये तोड़फोड़ हो रही है, इसलिए यहाँ पर काम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है यहाँ, देखो अभी वहां पर गाड़ी खड़ी है तो इसको जल्दीबाजी में है, आप गाड़ी को कुछ पता नहीं क्यों रोक रहा है ये गाड़ी, तो गाइज अभी यहाँ पर काठगोदाम से वीडियो समाप्त करते हैं,
यहाँ पर काफी कुछ घटा है ना, काफी ट्रैफिक भी था, लोगों ने बातें भी करी और यहाँ पर जो भी अतिक्रमण था रोड चौड़ीकरण वो भी टूटा, मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर टैक्सियों में प्राइवेट गाड़ियों में सवारियां ले जा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर शिकायत हुई। तो काफी कुछ घटता है यहाँ पर, आए दिन काफी एक्सीडेंट भी होते हैं, काफी कुछ होता है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नया अपडेट क्या आता है यहाँ पर, किस तरीके से अपडेट आता है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। अगर आप कोई सुपर थैंक देना चाहता है डायरेक्ट, मैं मेहनत कर रहा हूँ इतनी धूप में, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको मनी देना है या फिर कुछ पैसा ट्रांसपोर्ट करना है आप देना चाहते हो, तो सुपर थैंक वहाँ पर नीचे दिल जैसा है, वहाँ से आप डायरेक्ट गूगल पे से पैसा डाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बाय बाय करते हैं काठगोदाम से, अभी नया कार्रवाई क्या होता है यहाँ पर सारा कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ कार्रवाई होना है। यहाँ पीछे आप देख लो ये पूरा होटल है, उगरा है, सारा कुछ फूटना है आगे, कब होता है सब बताएंगे। चैनल को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, घंटा को जरूर दबाना। बाय बाय।